बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने कुछ दिन पहले ही अपना 75वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है और हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी में सलमान खान, रेखा से लेकर कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए और इस पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें ड्रीम गर्ल रेखा के साथ डांस कर रही है। वीडियो में दोनों दिग्गज एक्ट्रेस स्टेज पर पुराने हिंदी गाने क्या खूब लगती हो पर थिरक रही है। वहीं हेमा मालिनी ने अपने बर्थडे पर कढ़ाई वाली साड़ी पहनी हुई है और रेखा क्रीम साड़ी में है, मांग में सिंदूर, बालों में गजरा और मैचिंग चूड़ियों में रेखा कमाल की लग रही है। और हेमा मालिनी के बर्थडे में राजकुमार राव, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, जया बच्चन, जैकी श्रॉफ, जितेंद्र, राकेश रोशन, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी, रानी मुखर्जी भी शामिल हुई। वहीं हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन ने फिल्म बागवान में एक बूढ़े माँ बाप का रोल निभाया था। इस फिल्म में दिखाया गया था कि अमिताभ और हेमा के नालायक बेटे और नकचड़ी बहुएं उनका ध्यान नहीं रखते हैं और उनके इमोशंस का ख्याल किए बिना उन्हें अलग अलग कर देते हैं। वहीं ये फिल्म तो सुपरहिट रही थी, लेकिन इस फिल्म में बुरे बेटों का रोल निभाने वाले एक्टर्स को दर्शकों ने खूब भरा बोला कहा। और अब अमन वर्मा ने कहा है कि फिल्म बागवान की रिलीज के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई थी और आज भी बुज़ुर्ग लोग फिल्म में माँ बाप के साथ गलत बर्ताव करने के लिए उन्हें डांटते हैं। वहीं अमन वर्मा बागवान फिल्म से पहले क्योंकि सास भी कहीं भी बहू थी और खुल जा सिम सिम जैसे सोच कर चुके हैं।